नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 30 अगस्त को हम जब हरितालिका तीज का व्रत रखेंगे, दिन पड़ा है मंगलवार, तो अगले दिन पारण से पहले कौन कौन सा अनाज हमें दान करके देनी चाहिए। तीज के दिन तो हम सुहाग की चीज़ें तो माता पार्वती को चढ़ाएंगे ही, वो तो दान देनी ही है, लेकिन जिसको सीधा बोलते हैं एक आदमी के खाने के, मतलब एक आदमी के, दो चार आदमी का भी दे सकते हैं, लेकिन एक आदमी का अनिवार्य है, एक आदमी के भोजन के बराबर हमें अनाज तीज व्रत में पक्का दान करनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सा अनाज हमें लेनी है और दान करनी है, उसके बाद ही हमें अपने मुख में अनाज डालनी है, पारण करनी है। चावल का सत्तू खाकर भी कई लोग पारण करते हैं, चीनी मिलाकर भून के चावल को घी में, और उसके बाद वही पारण किया जाता है। हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है, कई लोग हलवा पूड़ी खाकर भी व्रत खोलते हैं तीज का। 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा, और इस साल नया व्रत आप लोग पक्का उठा लीजिएगा। तो जो 31 को हम अनाज का दान करेंगे, तो कौन सी गलती हमें नहीं करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हर विधि का, हर नियम का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँगी। आप लोग पक्का सर्च करते रहिएगा, चैनल पर चेकआउट करते रहिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हमेशा नहीं जाता। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमें कैसे दान करनी है और गलती कौन सी नहीं करनी है। तो देखिए, उस दिन हमें दान में क्या क्या करनी है, तो आइए आपको क्लोज करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो अनाज में देखिए हमें क्या क्या लेनी है। आटा लेनी है, आप 1 kg भी ले सकते हैं, 1/2 kg भी ले सकते हैं, 2 kg भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। दूसरी चीज़ क्या है, हल्दी। तीसरी चीज़ क्या है, दाल। चना दाल लीजिएगा या अरहर दाल लीजिएगा, मसूर का दाल मत लीजिएगा क्योंकि मसूर के दाल को शुद्ध नहीं मानते हैं। मिर्ची, और ये है नमक, और ये चीज़ क्या है, इसी पे आप दक्षिणा मुद्रा आप 51, 11, 21 कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, अपने बजट के अनुसार आपको देनी है। अगली चीज़ क्या है, चावल। तो एक आदमी के भोजन के भर का हमें सीधा निकाल देनी है, जितना एक आदमी करता है। एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये सब चीज़ें आप लोग कहते हैं कि दीदी पंडित जी नहीं है तो कहाँ दान करें, किसको दें, तो आपको बता दूं कि आप इसके बदले ना सभी का पैसा जोड़ लीजिएगा, मूल्य निकाल लीजिएगा, और आप लोग मंदिर में दान कर दीजिएगा, या किसी भी बहन बेटी को भी दे सकते हैं। समझ में आ गया, अगर ये दान की चीज़ें देने का जगह नहीं है तब। और अगली चीज़ क्या है, आलू। इतनी सब चीज़ें हमें दान करनी है, और चावल, आटा, नमक, दाल, हल्दी, या और आप चाहें तो इससे अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा भी चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। व्रत का हमें संपूर्ण अगर लाभ चाहिए तो ये अनाज आप लोग उस दिन पक्का दान करके ही पारण कीजिएगा। अनाज नहीं कर सकते तो इन सभी के बदले आपको मुद्रा ले लेनी है। मैं आपको दिखा दी थी श्रृंगार की चीज़ें, अपने पिछले वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ कि श्रृंगार की चीज़ें ये हम तीज के दिन, हरितालिका तीज के दिन दान करते हैं, माता पार्वती को चढ़ाकर, और हम जो है ब्राह्मण को दे देते हैं, ब्राह्मणी को दे देते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप रखे रहिए, किसी लड़की के शादी में भी आप दे सकते हैं, या अपनी ननद को दे सकते हैं। तो इसमें बिछुआ है, मेहंदी है, बिंदी है, और कंघी, चूड़ी, महावर, पाउडर, ये सब क्लचर वगैरह, नेल पॉलिश, और ये आपका सिंदूर, और सीसा ज़रूर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक सीसा भी रख लीजिएगा। फल में क्या देते हैं, और जो लड़कियां पहली बार व्रत करेंगी वो साड़ी पक्का दान कीजिएगा, वो किसी भी बहन बेटी को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं, ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं, एक साड़ी पक्का उस दिन आपको दान करनी है। क्योंकि तीज का व्रत ना, देखिए ऐसा वैसा व्रत नहीं है, बड़ा भाग्य से इसको रखा जाता है, तो इसमें आप लोग को इस प्रकार से करनी है। एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे तरफ ना जब नई शादी होती है जिन लड़कियों की, आप लोग जो ही होगा नॉर्थ इंडिया से, उनको मालूम होगा कि अगर आप ससुराल में रहते हैं
तो भी ती जाता है, मायके में रहते हैं तो ती जाता है, पहली साल ती जाता है हमारे तरफ, तो उसमें साड़ी पक्का आता है लाल पीला, लड़की को छूने के लिए मतलब दान करने के लिए आता है। तो आप पहली बार जरूर एक लाल पीला साड़ी दान कीजिएगा अगर पहली बार इस साल तीज का व्रत उठा रही हैं तब। समझ में आ गया? और मायके से उठाएं कि ससुराल से उठाएं, ये मैं वीडियो में ऐसे तो बता चुकी, फिर भी बता देती हूँ, तीज का व्रत ना कभी भी आप जहाँ कहीं भी हैं शादी के तुरंत बाद ही उठा लिया जाता है, अगर अधिक मास मल मास दो मास नहीं पड़ा है तब। ये तो इस साल नहीं पड़ा है, आप लोग उठा लीजिएगा। और साथ में जो तीज में हम फल दान करते हैं, फल वगैरह, तो इसमें खीरा केला अपने मन पसंद चीज़ें आप दान कर सकते हैं, गुजिया इसमें नहीं है तो इतनी सब चीज़ें हम दान करते हैं। ये शाम को भगवान को चढ़ा के ये सब चीज़ें दान करते हैं, और सुबह जो है व्रत खोलने से पहले अनाज का दान आप लोग पक्का कर दीजिएगा। और देखिए आप इसके बदले तो मुद्रा दे सकती हैं, मान लीजिए एक चीज़ मैं बता दूं कि अनाज अगर आपको देने का कहीं जगह नहीं है तो मुद्रा दे दीजिएगा, लेकिन ये जो सुहाग की चीज़ें हैं ना ये पक्का कीजिएगा, इसके बदले आप लोग मुद्रा मत दीजिएगा। इसको पक्का दान करके किसी भी लड़की को भी दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। तो सभी बातें मैं आपके साथ क्लियर कर दी। और गलती हमें कौन सी नहीं करनी है तो देखिए क्या करते हैं, गलती क्या लोग करते हैं वो भी मैं बता दूं। देखिए क्या करते हैं ना कि चलो पंडित जी के घर तो देना है, इसी में हल्दी डाल देते हैं, इसी में दाल डाल देते हैं, ये नमक नहीं डालते हैं क्यों गलती बोलूं, चावल भी इसी में आटा में ही डाल के एक पॉली बैग में ये पैसा वगैरह आलू सब डाल के, और ये मिर्ची है पक्का दीजिएगा, मिर्ची भी दान किया जाता है, तो ये पंडित जी के घर भेज देते हैं ब्राह्मण के घर। ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, अगर मेरा बात मानिएगा तो आप क्या कीजिएगा, एक न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, हर चीज़ को इसमें डालिएगा, फोल्ड कीजिएगा, छोटा 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 पोटली बना के पुड़िया, और तब आप ब्राह्मण के घर भेजिएगा कि लगे कि हाँ किसी जेंटल घर से ये आया है, और कितना सभ्य आदमी ने इसको दिया है, एक ही में मिक्स करके कभी दान न करें, अपमान नहीं करनी अनाज को, एकदम सुंदर से है ना, हल्दी में आटा डाल दिए, आटा में चावल डाल दिए, बहुत सारे लोग इस प्रकार से दान करते हैं, आपको नहीं करनी है। दान करने के बाद आप अलग अलग पोटली बनाकर एक पॉली बैग में डाल के और तब ब्राह्मण को दीजिएगा। समझ में आ गया सारी बातें? इससे कम चीज़ें भी दान कर सकती हैं, इससे अधिक चीज़ें भी कर सकती हैं, आपकी टोटल मर्जी है। यही सब दान वाली चीज़ें थी, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के कमेंट जो आते हैं, क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, तो सभी देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि सभी के ऊपर वीडियो बना दूँ, लेकिन जल्द से जल्द दूँगी। आप लोग का कंप्लेन भी है कि दीदी आप जल्दी वीडियो नहीं देते हैं, लेट कर देती हैं, तो बिजी हो जाती हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द दूँ। आप लोग मेरे चैनल पर चेकआउट पक्का करते रहिएगा, और जो बाहर से मेरा वीडियो देखते हैं मतलब फॉरेन कंट्री से, उनको भी दिल से धन्यवाद। तो यहीं तक का था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए मुस्कुराते रहिए, और आप सभी को हैप्पी तीज।